अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज उन्हें चर्चा करनी थी तो नरेश बाल्यान पे करनी थी, आज उन्हें चर्चा करनी थी तो दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति तुम्हारे नकारेपन की वजह से, निकम्मेपन की वजह से बिगड़ी उस पर करनी थी। तुम्हें अगर चर्चा करनी थी तो DTC की जो आज कर्मचारी धक्के खा रहे हैं पेंशन के लिए, DTC घोटाले के लिए, पैनिक बटन घोटाले के लिए, उन पर चर्चा करनी थी। विषय को घुमाना और अपनी राजनीतिक कुंठा या अपनी राजनीतिक खींच को निकालने का मंच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को बनाया हुआ है। मणिपुर पर चर्चा हो, राजस्थान पर हो, छत्तीसगढ़ पर हो या देश के किसी अन्य राज्य पर हो, उसका मंच लोकसभा और राज्यसभा है और मणिपुर पे वहाँ विस्तार से चर्चा हो चुकी। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आज उन्हें चर्चा करनी थी तो नरेश बाल्यान पे करनी थी, आज उन्हें चर्चा करनी थी तो दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति तुम्हारे नकारेपन की वजह से, निकम्मेपन की वजह से बिगड़ी उस पर करनी थी। कितनी जान और माल का नुकसान हुआ। तुम्हें अगर चर्चा करनी थी तो DTC की जो आज कर्मचारी धक्के खा रहे हैं पेंशन के लिए, DTC घोटाले के लिए, पैनिक बटन घोटाले के लिए, उन पर चर्चा करनी थी। और जब हमारे विधायक उनके शीशमहल और राजमहल के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो आपके विधायक बदतमीजी पे उतर आते हैं। जो सच्चाई है, जो समस्या दिल्ली के समस्याओं से रिलेटेड है, उसको छोड़कर अरविंद केजरीवाल चांद पर जाने की बात करेंगे, हर बात पे बात करेंगे, लेकिन जो काम दिल्ली की जनता ने तुम्हें दिया है वो तुमसे होता नहीं है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा का मंच उनकी राजनीतिक खींच और राजनीतिक कुंठा को दर्शाने का एक मंच है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इस तरीके का आरोप लगाया उन्होंने। मैं फिर कहता हूं पूर्वोत्तर की बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री लगभग 15-20 दिन वहां रुके, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 4 दिन 3 रात वहां रुके, सब व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी और लाल किले की प्राचीर से भी अपने संबोधन में इस बात को इंगित किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्योंकि राजनीति करनी है तो वो सिर्फ राजनीति करेंगे। तो हम तो पूरे देश की बेटियों की बात कर रहे हैं, उसमें पूर्वोत्तर भी आता है, उसमें राजस्थान भी आता है, उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी दिल्ली में तुम्हारी नाक के नीचे बाढ़ की जो अराजकता हमने देखी है, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों की जाने चली गई, उस पर एक शब्द तुमसे नहीं बोला जाता, एक शब्द तुम दिल्ली की जनता के लिए नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ राजनीति करनी है। स्पीकर के सिर पर बंदूक लगाकर आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, प्रस्ताव को प्रस्ताव की तरह रखा जाना चाहिए। उन्होंने जो दलित स्पीकर हैं उनकी उनके साथ बदतमीजी की है भाजपा के एमएलए ने, और पहले भी की थी और आप भी की, अपनी बात सही से नहीं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक बंदूक रखने की बात है तो मार्शल रूपी बंदूक तो रोज आम आदमी पार्टी के जो विधायक और उनके स्पीकर हैं चला ही रहे हैं, कहां हमारे विधायकों को बोलने देते हैं। और अगर आज विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल पर सवाल पूछ लिया और स्पीकर को स्पीकर की तरह बिहेव करना चाहिए था, लेकिन वो विधायक की तरह वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बोल रही हैं, तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए था कि वो किस कुर्सी पर बैठी हैं। तो हमारे विधायकों को बोलने ना देना, उन्हें उठा के मार्शल से बाहर करवा देना, ये कहाँ का है। बंदूक तो आप लोग चला रहे हैं, हम तो दिल्ली की जनता के सवाल पूछ रहे हैं। नरेश बाल्यान उठाया तो उस पर भी बहस शुरू हो गई, वो कह रहे थे कि गैंगस्टर कनेक्शन अब उजागर हो रहा है, मुझे इस गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी गई है। कैसे देंगे, अगर उनके विधायक की गैंगस्टर के साथ साठगांठ नजर आ रही है, उसके ऑडियो लीक हो रहे हैं, उसमें कट मनी पैसे की बात हो रही है, और उनके विधायक बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम कर नहीं सकते, और ये राजनीतिक संरक्षण अरविंद केजरीवाल का है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में भी गुंडे पाले हुए हैं, तो जो गुंडागर्दी दिल्ली में दिखाई दे रही है उसका बहुत बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल है। नेशनल लेवल पर हो और कांग्रेस के बीच भी देखने को मिल रहा है अलायंस जो है, अभी हाल ही में कांग्रेस ने बैठक की थी, जो लोकसभा सीटें हैं दिल्ली की उस पर तैयारी की बात की थी, आम आदमी पार्टी कह रही है अगर ऐसा है तो हम आगे जो मीटिंग होनी है अलायंस को लेकर उसमें शामिल नहीं होंगे, तो दोनों के बीच खींचतान है। देखिए, उनके घमंडिया गठबंधन या डरबंधन के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस का जो वजूद दिल्ली में या पंजाब में खत्म किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। अब कांग्रेस को अपनी मॉरेलिटी चेक करनी है कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखना है या नहीं बचाना है, ये निर्णय कांग्रेस को करना है कि साथ रहना है या नहीं रहना, उसमें हमको कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन हम दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि ये मिलके लड़ें, अलग लड़ें, सातों सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये दिल्ली और देश की जनता मन